हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइडर टेल्स। दोस्तों आज फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ नया परचेसिंग करने जा रहा हूं तो मैंने सोचा ब्लॉग बनाए। अलग जगह पे जा रहा हूं थोड़ा। एक्चुअली दोस्तों मैं गार्डनिंग का जो टूल्स होते हैं उसका कुछ सामान खरीदने जा रहा हूँ। मेरा जो टेरेस गार्डन है उसके लिए मतलब जो झाड़ी लगती है वो लेने जा रहा हूँ। कभी भी कैमरा लेके बाहर निकलते हैं तो कुछ ना कुछ तो अच्छा कंटेंट मिलता ही है। ऐसा तो कभी होता नहीं कि कुछ नहीं मिला। ट्राई करते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। तो दोस्तों अभी तक के व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं जरूर कमेंट में बताइए, और नया क्या क्या कंटेंट मैं क्रिएट कर पाऊंगा वो भी सजेशन में बताइए, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे और आप सभी का बहुत ही बढ़िया एंटरटेनमेंट हो पाए ऐसा। दोस्तों वो अभी एक्चुअली मेरा कैमरा बंद था, नहीं तो मैंने आपको दिखाया होता। एक कोइंसिडेंस कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए। मुझे एक्चुअली दो बाइक्स सोच रहा हूँ, दो मैंने सोची है, उनमें से कोई एक मैं परचेस करूंगा। तो जैसे ही मैं घर से बाहर निकलता हूँ कौन से भी डायरेक्शन में कहीं पे भी जाना हो मुझे, पिछले लगभग एक साल से ऐसा हो रहा है कि जो गाड़ियां मुझे मैंने शॉर्टलिस्टेड की है, एक है हिमालयन रॉयल एनफील्ड की और दूसरी है होंडा हाइनेस 350 CV 350। तो वो दोनों गाड़ियों में से कोई तो भी एक गाड़ी मुझे दिखती ही दिखती है नासिक जैसे एरिया में। पहले नासिक में हिमालयन या फिर होंडा हाइनेस जैसी गाड़ियां बहुत ही कम दिखती थी, नॉर्मल क्लासिक 350 दिखती थी, लेकिन हिमालयन नहीं दिखती। जैसे ही मैंने वो गाड़ी लेना सोचा, हमेशा मुझे हिमालयन होंडा हाइनेस CV 350 हमेशा दिखती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ये मैनिफेस्टेशन जिसे बोलते हैं मैनिफेस्ट करना, वो सही में काम करता है। एक तो ये ऑटोमेटिकली हो रहा है या फिर पता नहीं क्या बात है, लेकिन हिमालयन बहुत ज्यादा दिख रही है अभी नासिक में। कि हम जिस चीज को शिद्दत से चाहो उसे पूरी कायनात तुमसे मिलाने में जुट जाती है, वो बात हो सकती है। अभी ये हम लोग एक्चुअली आए हैं यहाँ पे गोरे कॉलोनी में, यहाँ पे मेडिसिन का बहुत ही ज्यादा होलसेल मार्केट है। ये एक्चुअली दवाइयों का होलसेल मार्केट गोरे कॉलोनी जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको सभी तरह की दवाइयों का होलसेल मार्केट है ये। और कल है मकर संक्रांति, सभी भाइयों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप पतंग उड़ाइए लेकिन उसमें नायलॉन का जो चाइना वाला जो धागा होता है वो बिल्कुल यूज न करें, उससे बहुत ज्यादा पक्षियों का नुकसान होता है। आप देसी जो धागा होता है वो यूज करें, क्योंकि नायलॉन को जो धागा है उसमें बहुत ज्यादा इंसानों को भी खतरा हो चुका है अब तक, और पंछियों को भी बहुत ज्यादा जोर में लग जाता है वो। और क्यों यूज करना है, अगर अपना भारतीय फेस्टिवल है तो बाहर के चीजों का यूज क्यों करना है अपने को। भारतीय खेल में खेल बोल सकते हैं आप, तो उसमें अगर भारतीय लोगों के पास उसकी टेक्नोलॉजी है उससे ज्यादा कुछ हार्मफुल भी नहीं होता है, तो मेरी सबसे विनती है कि सबने अपना देसी धागा जो है वो ही यूज कीजिए। अभी तो ऐसे मेन मार्केट एरिया नहीं बोल सकते, लेकिन पहले कैसा था, ये मेन मार्केट एरिया था, तो इसमें कैसा है कि सभी लोग यहाँ पे खरीदी जो भी शॉपिंग करना है वो यहाँ पे आते थे। लेकिन अभी कैसा, नासिक का एरिया और डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि हर जगह आपको सभी चीजें मिल जाती है। पहले थोड़ी कमी होती कीमत है जी,
याच्यात वेगवेगळ्या कंपन्या आहेत. हो का? ही चांगलंच आहे ना. पण हे मैं हमेशा कोई भी प्लास्टिक का चीज है तो यहाँ पे लेने आता हूँ ऐसा. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सब चीजें मिलती है. कोई भी होलसेल में चाहिए आपको तो ये जगह पे आप आ सकते हैं. तो दोस्तों ये हमने कुछ 250 रुपीज में ये ढारी ले लिया है पानी वाला. वो एक्चुअली जो वहाँ पे है वो उधर में हमेशा कुछ भी प्लास्टिक का कोई भी सामान लेना है तो मैं इसी दुकान में आता हूँ. बहुत अच्छा कॉस्ट पे वो लोग बहुत अच्छा चीजें देते हैं. अभी ये झाड़ी लिया मैंने ये 250 रुपीज का. हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे. हाँ तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट क्या बोलते हैं उसको. तो अगर अभी देखते हैं एक साल से तो मैं सोच रहा हूँ कोई चीज के बारे में. तो अगर वो सही में कोई चीज अपन चाहते हैं तो अगर वो मिलती है तो समझ जाएगा अगर मेरी ये दोनों में से कोई बाइक लेने ले लेता हूँ मैं कोई ये दोनों में से कोई बाइक तो हमको समझ में आ जाएगा कि मैनिफेस्ट कुछ ऐसा होता है. जो चीज आपको चाहिए उसका जस्ट एक दिमाग में प्लानिंग रखो और पूरा क्लैरिटी के साथ प्लानिंग रखो. क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें कि ये चीज मुझे लेनी है क्यों लेनी है. उस हिसाब से तो वो हो सकती है. अभी एक्चुअली मुझे एक घंटा यहाँ पे टाइम पास करना है तो अभी मैं आपको एक और एक बहुत ही बढ़िया जगह पे लेके जाता हूँ. वो है हमारी गोदावरी नदी दूसरे साइड से. अब तक हम लोग गोदावरी नदी देखते थे वो देखते थे रामकुंड साइड से. अभी हम लोग गोदावरी नदी देखेंगे जो तांबट घाट, हनुमान घाट या घाटपुरे घाट ये तीनों में से एक घाट है. तीनों ही नाम बोल सकते हैं आप. इसको तांबट घाट भी बोलते थे, हनुमान घाट भी बोलते थे और घाटपुरे घाट भी बोलते थे. तो वो घाट से हम लोग अभी गोदावरी नदी को देखें. बहुत ही बढ़िया नजारा होता है. एक आदमी ने गलती से गाड़ी डाल दी तो ये सब चीजें हो जाती क्योंकि लोगों के पास पैसे तो आ गए लेकिन दिमाग तो आया नहीं. मतलब ऐसा है नहीं कि जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ी है उसको ज्यादा दिमाग रहेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. तो मतलब ऐसा है कि अभी हम लोग तो निकल आए हैं, बाकी सब लोग पीछे अटक गए हैं. दोस्तों फोटोग्राफी का एक दिन मैं स्पेशल कुछ ब्लॉग बनाना है. वो फोटोग्राफी का एक ब्लॉग बनाऊंगा. फोटोग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली वो, इसलिए मैं उसका ब्लॉग बनाऊंगा. तो अभी हम लोग गोदावरी नदी पे जा रहे हैं. ये आप सामने देख सकते हो गोदावरी नदी. ये हमारे नासिक की बहुत अच्छी जगह है रहने की. तिवारी महल जिसको बोलते हैं. जो चीजें मुझे अच्छी लगती हो मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ. ये है हमारी गोदावरी नदी. तो जब भी थोड़ा टाइम मिले तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ गोदावरी नदी पे. आधा घंटा भी खड़ा रहे यहाँ पे तो भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगता है. मतलब अच्छा सुकून मिलता है. तो मैं आ जाता हूँ कभी भी यहाँ पे. आप देख तो ये दोस्तों देख सकते हैं आप, ये है गोदावरी नदी. ये जो है ये
दोस्तों मैं आपको और एक अच्छी जगह से आज गोदावरी का दर्शन करवाता हूँ। मेरी जो फेवरेट जगह है वहां से अभी हम लोग गोदावरी का दर्शन करेंगे। यहाँ तक आए हैं तो मैंने सोचा कि चलो आपको वो भी जगह दिखाई जाए जो मेरे ये फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया है। मैं बहुत बार ये जगह पे फोटोग्राफी के लिए आया हूँ, बहुत ही बढ़िया जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो बहुत दिन से मैं यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन जब भी मुझे कोई भी समय हो, जब भी थोड़ा खुला टाइम मिलता था तो मैं यहाँ पे फोटोग्राफी के लिए आता था। ये नासिक में इसे सुयोजित ब्रिज कहते हैं, वहां पे गोदावरी नदी पे और एक ब्रिज बनाया हुआ है जो झांसी और मकवालाबाद की तरफ जाता है। ये रास्ता बहुत ही रेगुलर मैं ये रास्ता यूज करता था पहले, और ये है वो ब्रिज। जब यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे सामने और फिर पहले एक राउंड मारते हैं ब्रिज पे, ये है सुयोजित ब्रिज। सवेरे शाम कभी भी आप यहाँ पे आ गए तो आपको बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट हो जाएगा। लगभग आप एक घंटा तो यहाँ पे आराम से बिता सकते हैं, ऐसी जगह है ये। और यहाँ पे अंदर जो है सुयोजित में अंदर जो है वो जो पेड़ दिख रहे हैं वहां पे, वो पूरा ये पूरा वॉकिंग ट्रेल है। यहाँ पे सवेरे लोग वॉकिंग करने आते हैं, बहुत ही बढ़िया और फ्रेश एटमॉस्फेयर होता है। ये वो देखिए, ये लोग यहाँ पे वॉकिंग करते हैं, ये देखिए इस जगह पे बहुत सारे लोग यहाँ पे। मैं भी बहुत बार यहाँ पे अंदर फोटोग्राफी के लिए आया हूँ। देखिए दोस्तों कैसा दिख रहा है, वो एक येलो कलर का सामने दिख रहा है आपको, वो शिव का मंदिर है वहां पे जो दिख रहा है वो। और अगर आप देख सकते हैं ये जो पेड़ है, ये टेढ़ा हुआ, उसके ऊपर एक हमेशा आपको एक किंगफिशर बर्ड मिलेगा। अभी भी वो वहां पे बैठा है, लेकिन अभी इंस्टा कैसा सपोर्ट करेगा उसको नहीं बोल सकते, लेकिन आपको हमेशा वहां पे एक किंगफिशर बैठा हुआ मिलेगा। अभी भी मस्त बैठा है यहाँ पे। अब यहाँ से अगर दिखेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से कुछ दिख रहा है, वो जो पेड़ है उस पे किंगफिशर बैठा हुआ है। एक बार मैं आपको अंदर लेके आऊंगा, वहां पे भी बहुत ही बढ़िया फोटोग्राफी होती है। यहाँ पे बस खड़े हो जाओ सवेरे आके, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया बर्ड्स दिखेंगे। ये देखिए कंटिन्यू यहाँ पे बर्ड्स का मूवमेंट चलता रहता है। पूरा मेरा रूट हुआ करता था वॉकिंग का, वहां से लेके यहाँ तक मैं आता था। ये भी आगे भी, ये भी बहुत ही बढ़िया जगह है ये, यहाँ पे हम लोग आते थे वॉकिंग करने के लिए। अभी ये रोड बहुत ज्यादा अभी खराब हो गया है, ये जब यहाँ पे मैं आता था तभी बहुत ही अच्छा था ये रोड। अभी नासिक में ये बिल्कुल बाजू में गोदावरी नदी है, आप देख सकते हो ये नीचे वहां पे उधर, और वहां यहाँ पे हम लोग वॉकिंग के लिए आते थे। एकदम प्लीजेंट एटमॉस्फेयर होता था यहाँ पे इस तरीके से। अभी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, ट्रैफिक भी बहुत ही ज्यादा हो गई है। यहाँ पे कुछ स्पीडी जो गाड़ी से चलाते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड में जो ड्राइविंग करते हैं, फोर व्हीलर वाले हो या टू व्हीलर,
जो चढ़ाते हैं दोनों, तो उनकी वजह से यहाँ पे पहले बहुत ही एक्सीडेंट हो चुके थे, और फिर उसकी वजह से यहाँ पे एक पुलिस चौकी भी बना ली है यहाँ पे, ताकि कोई ऐसी मस्ती ना करे, ऐसी हरकत ना करे। यहाँ पे पहले बहुत ही ज्यादा राइडिंग होती थी, लेकिन बहुत ही मतलब इरिस्पॉन्सिबल तरीके से लोग यहाँ पे ड्राइविंग करते थे, तो दो तीन बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं यहाँ पे। तो ऐसे बिल्कुल ना करें, पूरे अपने होशो हवास में गाड़ी चलाए, यहाँ खुद को भी परेशानी होती है ये, और दूसरों को भी परेशानी होती है। आराम से एंजॉय करते हुए गाड़ी चलाए, और आपको अगर रेसिंग करने का शौक भी है तो आप स्पेसिफिकली रेसिंग ट्रैक में उतर जाइए, फिर उधर जाके कुछ देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। जिनको ये शौक ही है गाड़ी स्पीड में दौड़ाने का, वो रेसिंग ट्रैक पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनका शौक भी पूरा हो जाएगा और देश का नाम भी रोशन हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो जरूर मेरे ब्लॉग्स लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग नया देख रहे हैं मेरा चैनल, अगर आपको ऐसे डेली रूटीन के ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो जरूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि उसी की वजह से आपको मेरे ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं तो आप नहीं देख पाओगे। तो आशा करता हूं ये भी ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे ये ब्लॉग होता है एंड, मिलते हैं ऐसे ही नए अच्छे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय फ्रॉम योगेश तंबट, थैंक यू।